मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो मैंने स्कैनिंग करवाया तो मुझे पता लगा कि मल्टीपल स्टोन्स हैं मेरे गॉल ब्लैडर में। मुझे फिर किसी ने रेफर करा, उन्होंने भी यहीं से ऑपरेट करवाया था, तो मुझे रेफरेंस मिला डॉक्टर आलूवालिया का। तो मैंने यहाँ पे आके अपने ब्रदर के साथ विजिट किया, उन्होंने मेरा ऑपरेट करा। नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉपर मैं ठीक अपने आप गई हूँ घर पे भी। मेरा नाम मीनू है, मैं एक्चुअली मेलबर्न से ट्रेवल करके यहाँ पे आई हूँ। मेरे पेरेंट्स का यहाँ पे घर है। एक्चुअली मुझे पता था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे पेन हुई थी। देन मेरे को किसी रीजन से यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे भी मेरे को पेन को फेस करना पड़ा। तो मैंने स्कैनिंग करवाया तो मुझे पता लगा कि मल्टीपल स्टोन्स हैं मेरे गॉल ब्लैडर में। मुझे फिर किसी ने रेफर करा, उन्होंने भी यहीं से ऑपरेट करवाया था, तो मुझे रेफरेंस मिला डॉक्टर आलूवालिया का। तो मैंने यहाँ पे आके अपने ब्रदर के साथ विजिट किया, टेस्ट वगैरह करवाए, डॉक्टर से मीटिंग करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि दो तरह के ऑपरेट होते हैं, सो आउट ऑफ विच वन इज मिनी लेप्रोस्कोपी एंड द अदर वन इज जो रेगुलर लोग करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड यही किया कि मुझे मिनी ही करवाना चाहिए, इट इज गुड फॉर मी, वो जल्दी हील भी हो जाता है। नॉमिनल से छोटे छोटे स्टिच लगते हैं इसमें, तो मैंने वही प्रेफर किया। और इन्होंने जैसे मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे कहा कि जब भी आप जाना चाहो लाइक ऑपरेट के लिए, तो विल डू दैट ऑन दैट डे। तो उसी दिन डिस्कशन के बाद एक दिन बाद उन्होंने मेरा ऑपरेट करा। ये मुझे खुद को नहीं पता चला कि मेरा ऑपरेट कितनी देर में फिनिश हो गया, और विद इन 3-4 आवर्स मैं अपने रूम में भी थी, और लाइक वॉशरूम वगैरह मैं खुद अपनी तरफ से ही गई हूँ विदाउट एनी लाइक पेन। मच पेन था, बट बहुत ज़्यादा कम, जो आपको बेरेबल होता है। तो उसके बाद मैंने एक दिन के बीच बीच में इन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। बाय नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉपर मैं ठीक अपने आप गई हूँ घर पे भी, और कोई मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आया। आज मैं आई हूँ चेकअप के लिए, तो ही सेड एवरीथिंग इज फाइन। सो अभी खाने पीने का भी उन्होंने मेरे को बोल दिया है कि कुछ भी खा सकती हूँ घर पे बना हुआ। विद इन 1 month आई एम एबल टू ईट एनीथिंग जो मेरे को मन भी करे। तो आई एम रियली हैप्पी, द स्टाफ इज वेरी सपोर्टिव, बहुत सेटिस्फैक्ट्री मेरे को यहाँ पे काम मिला है। डॉक्टर इज रियली गुड, आई डेफिनेटली रिकमेंड माई फ्रेंड्स और एनी बडी हु नीड हेल्प रिगार्डिंग दिस IVF के रिगार्डिंग या स्टोन्स और एनी काइंड ऑफ अ सर्जरी। तो मैं डेफिनेटली उनको स्टार ही रेकमेंड करूंगी। द स्टाफ एंड द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर, एवरीथिंग इज रियली गुड, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच।